चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आपका कूलॉम्स लॉ पढ़ते हैं। ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कूलॉम्स लॉ को अपन देखते हैं कि कूलॉम ने क्या लॉ दिया उसके ऊपर। तो दे रखा है, इन 1785 कूलॉम प्रपोन्टेड लॉ ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। यानी कूलॉम ने 1785 पे कुछ लॉ जो दिया किस पे, उनके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर। कूलॉम ने क्या एक्सपेरिमेंट करा वो समझिएगा। उन्होंने क्या करा कि दो चार्ज ले लिए, मान लो एक चार्ज तो ले लिया Q1 और एक चार्ज के लिया Q2, और कितना डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये भी चार्ज कोई फोर्स लगा रहा होगा और इसने भी कोई फोर्स लगाया। तो हुआ यूँ, उन्होंने क्या देखा कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था, इन चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा था। अच्छा, चार्जेस की कंडीशन बहुत सारी हो सकती है कि मान लो फोर्स अगर सेम चार्ज होगा तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे। सपोज करो दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हुए तो एक दूसरे को रिपल भी कर सकते हैं। या मान लो ये पॉजिटिव हुआ Q1 और ये नेगेटिव हुआ Q2, तो फिर क्या रहा होगा, तो फिर ये और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। या मान लो दोनों ही नेगेटिव हो गए Q1 और Q2, तो फिर क्या करेंगे, फिर दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। यानी फोर्स क्या लग रहा होगा, फिर अपोजिट अपोजिट फोर्स लग रहा होगा F2 और F1। ठीक है, यह हो सकता है कि इस पे नेगेटिव हो और इस पे पॉजिटिव हो। तो मान लो चार्ज F1 और ये चार्ज F2, तो उस कंडीशन में भी क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इन सभी कंडीशन को मिला के उसने एक्सपेरिमेंट क्या निकाला, तो उसने ये एक्सपेरिमेंट दिया कि जो चार्ज होगा उनका जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा किसके, उनके चार्ज के मल्टीप्लाई के। यानी जो फोर्स होगा उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई इक्वल होगा। या इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या आर है, तो उसने बोला कि जो फोर्स होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्या गुलाम ने लॉ दिया कि जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, अगर इन दोनों चार्जेस की बात करें तो अब इसका रूल देखिए जो दे रखा है पूरा, कि द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और द रिपल्सन। यानी भले इनके इसमें एट्रैक्शन हो रहा हो या रिपल्सन हो रहा हो, इनके इसमें ये दोनों पॉइंट चार्जेस के ऊपर। तो बोला है कि द फोर्स एट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली। तो जो इनके चार्जेस जो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये किसका लॉ है आपका, कूलॉम का लॉ। इसी को अपन कूलॉम का इन्वर्स लॉ भी, इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कूलॉम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, अब देखिए अगर इन दोनों को मिलाए अपन, तो साथ में इसको ऐड लिख सकते हैं कि एफ जो होगा वो Q1 Q2 का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उनके बीच की डिस्टेंस के। ठीक, अगर ए बेचारे से ही प्रोपोर्शनल साइन के साथ कोई ना कोई कॉन्स्टेंट, इस कॉन्स्टेंट को नाम दे दिया मैंने ए, और चार्जेस Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका नया फार्मूला जो है कूलॉम्स का निकल के आया। यहाँ पर ए जो होगा ये कॉन्स्टेंट ए, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो क्या पढ़ा जाता है इसको, एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इसकी वैल्यू होती है। या इसकी एक और वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, वो होती है 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसकी वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। यानी अगर आप इसको लिखना चाहो तो एफ इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये इसका एक और डेरिवेशन बना आपका फार्मूला। या अगर आप इसकी वैल्यू पुट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो एफ इक्वल्स टू
इस पूरे की वैल्यू जो है क्या होती है, 9 × 10^9, तो यहाँ आ जाएगा 9 × 10^9 Q1 Q2 / r². तो ये जो दोनों तीनों फार्मूले देखे अपने, ये किसके फार्मूले, आपके कूलॉम के, कूलॉम्स लॉ के फार्मूले है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, इसकी यूनिट न्यूटन, क्या हो जाएगी, न्यूटन, न्यूटन सब जगह एन, इसका भी एन, ठीक। ये फोर्स का मेजर होता है आपका न्यूटन के अंदर ही होता है। तो ये जो पढ़ा आपने, कौन सा लॉ पढ़ा आपका, कूलॉम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है आपका। तो इसको अच्छे से एक बार अपनी फिर कॉपी में व्यवस्थित पूरा जो बुक में दे रखा है उस हिसाब से पूरा लिख देना। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके नए क्वेश्चनों के साथ हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।